हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने वाले हैं खमन ढोकला। ये एक गुजराती फेमस डिश है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इंस्टेंट खमन ढोकले की रेसिपी है। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ नायलॉन खमन, वाटी दाल के खमन, ढोकला सबकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और देखें कि इंस्टेंट खमन ढोकला किस तरीके से बनाते हैं। इंस्टेंट खमन ढोकला बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं इसको बनने में। अगर आपको चने की दाल का खमन की रेसिपी देखनी है तो वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी, तो मेरी चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल हम सीखते हैं कि इंस्टेंट खमन ढोकला किस तरीके से बनाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने खमन ढोकला की रेडी मिक्स ले लिया है MTR का। ये बहुत मज़े का अच्छा होता है और फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। ये मैंने 250 ग्राम का पैकेट लिया है, अगर आप बड़ा लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो देखिए, हमने वो एक बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालकर उस घोल को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बराबर सा हमें रखना है। और इसके अंदर हमने 3 चम्मच जितना ऑयल ऐड किया है, और ऑयल डालने के बाद इसको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हो कि ऑयल डालने के बाद इसमें ऊपर सा थोड़ा थोड़ा सा फीण सा आ रहा है। देखिए, जैसे हम इनो डालते हैं और ऊपर झाग आता है उस तरीके से। तो हमने ये एक स्टीमर रख दिया है और गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर हम 2 ग्लास जितना हमने पानी ऐड किया है, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये प्लेट है खमन की, जिसमें हम खमन ढोकला स्टीम करेंगे। तो देखिए, प्लेट में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ब्रश से उसको फैला लिया है, ठीक है। तो पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो हम इस ट्रे के अंदर यानी प्लेट के अंदर जो हमने खमन ढोकले का मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें ना ज़्यादा फुल रखना है ना ज़्यादा स्लो रखना है, हमें मीडियम फुल रखना है। और स्टीमर को हम बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुकी है। देखिए, हम इसको चेक करेंगे। पहले ये हमने एक स्टिक ली है, स्टिक को हम इस तरीके से सेंटर में और आजू बाजू डालकर हम देखेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ निकल रही है, यानी कि हमारा खमन ढोकला अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और प्लेट को देखिए हमने बाहर निकाल ली है, और छुरी की मदद से इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए, हमने कट लगा लिए हैं। आप जैसे भी शेप खाना चाहो उसके हिसाब से आप कट लगा दें। तो मैंने इस तरीके से शेप कर लिया है। अब हम इसमें तड़का देंगे। तो हमने एक ये तड़का पैन ले लिया है और उसके अंदर हम सबसे पहले तेल ऐड करेंगे। मैंने 50 ग्राम से थोड़ा कम तेल लिया है। सबसे पहले तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम राई डाल देंगे 1 चम्मच भर के, और 1 चपटी हींग डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 मैंने हरी मिर्च काट ली थी। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हम शक्कर भी ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच जितनी हमने शक्कर ऐड की है। और पानी को अच्छे से उबलने देंगे और शक्कर को अच्छे से घुलने देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, और जो हमने खमन ढोकला कट करके रखा था उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे और 5-10 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो हमारा तड़का है वो खमन ढोकले में अच्छे से उतर जाए, उसमें टेस्ट आ जाए। और लास्ट में हम इस पर दरदरा सा खोपरा जो होता है, खोपरे की छीण, वो हम इस पर डाल देंगे, और हरा धनिया भी डाल देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट खमन ढोकला रेडी है खाने के लिए। ये बहुत मज़ेदार का बना था, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये खमन ढोकला की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे, और फिर लाइक करो ऐसे।
Thank you.